मैं तुम्हें आज बताता हूँ बहुत सही एक टेक्निक सिमेट्री करने की, जो बहुत ही एडवांस है और जो तुम बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, ये एक बॉक्स है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, मैं इसका ग्रे कलर कर लेता हूँ, ठीक है, 15 15 15 का सपोज करो टू पॉली। ये क्या मैंने चैम्फर, ठीक है, और ये जो है सेंटर में एज है, अब इसको एज छोड़ दिया यहाँ पे। अब दिक्कत क्या होती है, सपोज हमें सिमेट्री करनी है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में था, अगर ये ऑब्जेक्ट था और हमें यहाँ से सेंटर करना था, सिमेट्री करनी थी, तो हमारे लिए बहुत ईजी था क्योंकि ग्रिड सेंटर में है, या हम एज सेंटर में डालते, हम जस्ट नॉर्मली सिमेट्री क्लिक करते तो सिमेट्री हो गई, सेंटर टू सेंटर वर्क कर रही थी, फ्लिप करते तो सिमेट्री से हो गई थी एग्जैक्टली, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन सपोज करो हमारी सिमेट्री हमें ये करनी है, मतलब हमें यहाँ काम करना है, सिमेट्री यहाँ हो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है, इसको सिमेट्री कैसे करेंगे? इसके लिए एक फंडा है, एक हमेशा पहले बनाओ कि हेल्पर बॉक्स, लेट मी टेक ए बॉक्स, ठीक है, मैंने बॉक्स लिया तकरीबन 4 4 4 का, इक्वली मेरा हेल्पर है, ये सरफेस छोटी है तो मैं छोटा छोटा हेल्पर लूँगा जिससे कि मुझे इजीली उसमें दिख जाए, ये है मेरा हेल्पर, ठीक है। हेल्पर क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई सरफेस बनाने के लिए, मतलब आपकी किसी हेल्प करे, वो हेल्पर है, सिंपल। मैंने बॉक्स लिया और इसमें एक एक सेगमेंट सेंटर सेंटर में डाल दिया मैंने, सेंटर रखने के लिए पिवट जो मुझे बता रहे हैं, ठीक है। एड पुली मैंने इस पर यूज़ किया और देखो ये वाई एक्सिस किधर है, फ्रंट इधर, इधर वाई एक्सिस है, इट मीन्स ये जो मेरा एरिया है ये मेरा फ्रंट का एरिया है, तो मैंने पहचान के लिए थोड़ा आगे कर लिया। जेड एक्सिस ऊपर है ना कि नीचे की तरफ है, तो मैंने पहचान के लिए ये कर लिया कि मेरा जी एक्सिस है। अब तुम उसको पहचान सकते हो आराम से कि फ्रंट कौन सा बैक कौन सा, अगर पिवट नहीं भी दिख रहा है तो तुम्हें पता है ये मेरा फ्रंट था, ये मेरा जी एक्सिस था ऊपर, क्लियर। मैंने इसको क्लोन किया, ठीक है, और क्लोन करने के बाद मैंने इसको जस्ट एक कॉपी निकाल लिया, तो मुझे पता कि ये मेरा एक नया ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया, ठीक है। इसके मैंने ये पकड़ा, कंट्रोल आई इन्वर्ट किया, डिलीट कर दिया, या इवन मैं यहीं कहीं भी कॉपी कर सकता था, पता है ना डिटैच करने का जो क्लोन करने का तरीका है, यहीं कहीं डिटैच कर लो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। अब मेरी दो सरफेस यहाँ पे, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया देखने के लिए अपना जो दिखता है, क्लियर। कलर थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ, ज़्यादा वो हो रहा है, अगर कभी कस्टम कलर ऐड करना हो तो यहाँ पे करो ऐड कस्टम कलर और अपनी मर्जी का कलर बनाओ, जैसे भी डार्क बनाना है, ठीक है, ठीक है, कर सकते हो। तो मैं अपनी मर्जी का कलर एक ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क सा ही, देन ऐड कलर कर दिया, यहाँ पे कलर ऐड हो गया, कैंसिल, और मैंने ये वाला कलर इसको पिक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कस्टम कलर भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने इसको क्या किया, मुझे थोड़ा छोटा करना है डिज़ाइन जैसे बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से करके मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन रेडी करना है। अब ये मेरा सिमेट्री करने का काम यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट कर लिया। उसके बाद ये एक स्क्रिप्ट है, इसको ध्यान देना समझने के लिए, इसका नाम है थ्री पॉइंट हेल्पर, थ्री पॉइंट अलाइन। ये तीन पॉइंट से तीन पॉइंट पर अलाइन करती है, जो पॉइंट आप इसको तीन पॉइंट दोगे ये उस तीन पॉइंट पर अलाइन कर देगी। इस पे जाएगा और मेरी सिमेट्री के लिए मिरर का जो ऑप्शन है उसको ये हैंड ओवर कर लेगा। एग्जाम्पल देखो कैसे है, मैंने ओल्ड शॉर्टकट है ओल्ड सिक्स थ्री पॉइंट अलाइन खोलने का, मैंने प्रेस कर दिया, मेरा एक्टिवेट हो गया, मैंने तीन पॉइंट दिए। आपको बस तीन पॉइंट देते वक्त पता होना चाहिए फ्लो कैसे रखना है, जैसे मैंने दो पॉइंट क्लिक किया, तीन पॉइंट क्लिक किया, ठीक है। इसी पोजीशन में मुझे यहाँ करना है, मेरा फ्रंट एक्सेस वो था, तो फ्रंट एक्सेस मेरा ये है, एक क्लिक किया, दो क्लिक किया, देन तीन क्लिक किया, तो मेरा तीन पॉइंट हेल्पर यहाँ पे ये देखो आ गया, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्टली मैच है, सरफेस पर लाइन है, प्रॉपर है। तुम्हें स्क्रू प्लेस करने हो कभी ऐसे सरफेस पे, बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गया, देन ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो तुम्हारा थ्री पॉइंट हेल्पर है इसका अपना लोकल पिवट है जिसके सेंट्रलाइज में है, जैसे कि तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं इसके लोकल पिवट पे जाता हूँ तो देखो लोकल पिवट इससे बिल्कुल सेंट्रलाइज अलाइन है, दिख रहा है ना एकदम, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा यहाँ पे, इस पे मैंने सिमेट्री एक्टिवेट कर लिया, और सिमेट्री जो करना है मुझे, मिरर एक्टिवेट है, देन मिरर को अलाइन, इस पे अलाइन, एक्स वाई जी सब कुछ एक्टिव, देन ओके, तो मिरर अलाइन हो गया मेरा। मैं एट पोली पे आया, मैंने वर्टेक्स पकड़ा, देखो
मैंने इसको मूव किया और लास्ट टूल खोल दिया। तो मेरा ये इसमें एक्टिविटी होना शुरू हो गया। ओके, ऐसे कुछ डिज़ाइन दे दे रहे हैं। स्केल तो साथ साथ तुम्हारी सरफेस पे डिज़ाइन चल रहा है, सिंपल। तुमने सिमेट्री भी कर लिया, मैंने उसको भी चैम्फर किया कुछ ऐसे, और देन ओके, ये मेरा सेंटर का काम करेगी। अब मुझे ये चीज़ यहाँ ला के टिकानी थी, सिंपल। मैंने इसको इसको सेलेक्ट किया, सब कुछ हाइड किया, ये ऑब्जेक्ट प्रेस किया, ऑल टेक्स्ट करके ट्रांसपेरेंट मोड एक्टिव कर लिया, एक्सरे मोड। देन अगेन मैंने अपनी स्क्रिप्ट ऑन की, ऑल्ट 6 से मैंने वही 3.1, 2 एंड 3 तीन पॉइंट सेलेक्टेड, एंड देन नेक्स्ट 1, 2 3। ये स्नैप नहीं कर रहा ना, दिख रहा है? 2 तो दोबारा कर लेगा, ठीक है, एंड देन प्रेस ओके। अब यहाँ पे लाइन हो गया। अब तुम इसमें भी कुछ भी काम कर सकते हो। कोई दिक्कत, मैं सिर्फ ले दिखा रहा हूँ, ठीक है, अनहाइड। तो तुम इस कंडीशन में भी अपनी सिमेट्री को बना सकते हो जब मर्जी जाए। देखो तुमने कोई एसेट बनाया, तुम्हें अभी यहाँ से राउंड करना है, तुम उसको चाहो जस्ट सिमेट्री करना शुरू कर दो। हाफ करनी थी एग्जैक्टली, इसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पे हाफ लेनी है। तुम नॉर्मल सिमेट्री करो, वर्ल्ड एक्सेस पर करने वाला है वो हाफ, वर्ल्ड एक्सेस पर हाफ करेगा तुम्हारे लिए। उसके बाद उधर करनी है तो तुम्हारी वर्ल्ड एक्सेस पर हाफ करेगा करेगा वो। तुम पूरा एसेट कम्प्लीटली कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इस स्क्रिप्ट का नाम है 3-point align। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा यूट्यूब पे, प्लस स्क्रिप्ट सपोर्ट जो साइट है 3ds Max स्क्रिप्ट की, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में ही, डाउनलोड करनी है डाउनलोड करो, सीधा इंस्टॉल करो। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बता देता हूँ स्क्रिप्ट का क्या है, क्योंकि जब तुम वेबसाइट से इसको निकालोगे तो ये ऐसे कोड्स में रहेगा पूरा, ये स्क्रिप्ट रहेगी। इसको जस्ट करना है Ctrl+A पूरा कॉपी, एंड देन Ctrl+C कॉपी किया, देन अपना मैक्स खोला, मैक्स में गया स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे प्रेस किया न्यू स्क्रिप्ट, यहाँ पे किया इसको प्रेस, तेरा पूरा पेस्ट हो गया। देन फाइल किया, फाइल करके कहीं सेव कर दिया। जब फाइल सेव कर लोगे, सेव करने के बाद इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरी सेव ऑलरेडी। जब फाइल सेव कर लोगे उसके बाद स्क्रिप्टिंग में जाके करना रन स्क्रिप्ट, रन में जाके जहाँ तुम्हारी फाइल पड़ी है, जैसे ये पड़ी 3 point, मैं वहाँ पर क्लिक किया, ओपन कर दिया। ओपन करते ही आपकी स्क्रिप्ट मैक्स ने इंस्टॉल कर ली है। देन कस्टमाइज, फिर उसके लिए हॉटकी एडिटर, यहाँ पेटर में जाके, ये मैक्स 2020 है, तो इससे पहले वर्जन किसी में होगा तो उसका हॉटकी एडिटर यहाँ पे नहीं आता। 2020 से पहला हॉटकी एडिटर कस्टमाइज यूजर इंटरफेस के अंदर नहीं आता, कीबोर्ड्स के अंदर, और जो 2020 यूज़ कर रहे हैं उनका हॉटकी एडिटर यहाँ पे है। प्रेस किया, यहाँ पे तुमने सर्च किया 3-point align, ये आ गया, इसको सर्च किया, यहाँ प्रेस की, यहाँ पर कोई शॉर्टकट दिया, डन किया, सेव किया, और आप स्क्रिप्ट रेडी यूज़ करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।